Our MP Sanjit Singh has slammed the centre and after the central government has announced the unified pension scheme for its employees, stating that the UPS is even worse than the NPS. The parliamentary forces have not been included in this scheme because they do not serve for 25 years, which is the primary criteria on the basis for being eligible for the UPS scheme. Central government employees have understood what the government has conspired through the UPS. Old pension scheme should be restored. The duration of service was increased from 20 to 25 years, making the paramilitary ineligible for the UPS. It needs to be brought back to 20 years. Now let's listen into what Sanjit Singh has said. देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया वो इस दायरे में नहीं आएंगे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लीजिए मान लीजिए 1,00,000 की सैलरी है 40 साल आपने नौकरी की कभी 2,00,000 होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी कभी 3,00,000 होगी जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास उसके बाद क्या करेंगे अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा देख जॉइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट इज माय कॉलीग आदित्य कुमार आदित्य एज वी कैन अंडरस्टैंड दैट द रिसेंटली लॉन्च यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज नाउ कम बिटवीन द सेंटर स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी स्पेशली फ्रॉम द ऑपोजिशन Earlier, we have seen how the Congress has come out and supported the restoration of the old pension scheme and now it is the Aam Aadmi Party and Sanjit Singh now categorically coming out and saying statements and claiming statements that how the unified pension scheme is going to be discriminatory against the paramilitary forces because of the eligibility criteria of the UPS. And now the opposition continues to join hands to hit out at the central government on the issue of the UPS. What are the latest that you are picking up from your sources in the Aam Aadmi Party? जी सिमरन आपने बिल्कुल सही कहा जिस तरीके का पूरा मामला रहा है पहले दिन जिस तरीके से ये फैसला लिया गया कि यूपीएस लागू कराया जाएगा भाजपा और एनडीए जो पक्ष हैं वो इसको लेकर के खुशी मना रहे हैं कि हमने बहुत ही बड़ा फैसला लिया वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है चाहे पार्टी हम कांग्रेस की बात करें या हम आम आदमी पार्टी की बात करें या सपा की बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं जैसे कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा आरोप लगाते हुए जो यूपीएस जो होता है उसमें यू जो है यू टर्न को लेकर के कहा कि जो भाजपा सरकार एनडीए सरकार है यू टर्न ले रही है इसी तरीके से जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि संजय सिंह का साफ साफ कहना है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेज जिसकी जो सर्विस ही होती है 20 साल की वो इस पूरे दायरे से बाहर आ पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से यूपीएस में 25 साल नौकरी करने की बात जो कही गई है 25 साल नौकरी करने के बाद ही आप इसका लाभ ले सकते हैं तो बहुत ही बड़ा ये सवाल है जिसको संजय सिंह ने उठाया है आम आदमी पार्टी ने उठाया है इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की बात जो है वो सामने आ रही है कि 10 बजे के बाद जो है बड़ी आम आदमी पार्टी जो बड़ा एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है जिसमें इस बारे में पूरे के डिटेल बारे में बताया जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला था वो पहले से ही चलता जा रहा था उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम और ये फिर एक नया विवाद खड़ा हुआ है जिसको शुरुआती एक दिन तो लगा ऐसे जैसे कि भाजपा ने बहुत ही एक जो काम है बहुत ही बड़ा पक्ष में किया है जो आम जनता है या आम जो सरकारी नौकरी वाले हैं आम नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है लेकिन जिस तरीके से अब जो विपक्षी दल है वो जिस तरीके से उनको घेर रही है इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसको लेकर के फिर से विचार करना पड़ेगा
या ये हो सकता है कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं या इस तरह की जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जो 20 साल की नौकरी करते हैं या कई ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी इनसे इससे भी कम है, उनको लेकर के जो है बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। हालांकि इस पूरे यूपीएस में लगभग 25 से 30 लाख लोग ऐसे थे जो लाभान्वित होने वाले थे, उनको लेकर के खुशी की लहर जरूर है। इसको लेकर के जो अन्य जो यूनियन है वो बहुत ही खुश थे, कल इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने इसकी सारी जानकारी दी थी किस तरीके से ये लाभान्वित करने वाली चीज है। कई ऐसे यूनियंस थे जिन्होंने इस बारे में मामले को सपोर्ट भी किया था, लेकिन इसको लेकर के कहीं कहीं पे उदासीनता भी है, कहीं कहीं पे कुछ लोग जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ यूनियंस हैं जो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं कि इसको वापस किया जाना चाहिए। तो ये जो है मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो आ रही वहीं पर। अगर भाजपा की बात करें या एनडीए की बात करें तो वो इसको लेकर के संतुष्ट है, इसको लेकर के खुश है। और जिस तरीके से विपक्षी दलों की जो बातें आ रही हैं, विपक्षी दलों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, उससे हो सकता है कि भाजपा को आज या कल में कुछ अलग से फैसले लेने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से हमलावर भाजपा को लेकर के विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल जो है, हो सकता है कि कुछ अलग तरीके की बातें जो है और भी सामने आ सकती है। For more such videos,